वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ प्लस टू क्लास। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पेंटिंग रागिनी पटहम्सका। The artist is unknown of this painting. The painting you are seeing on the screen the name of the painting is Ragini Pathamsika. Artist is unknown. The school is Ahmednagar Deccan School. Period is approximate 1595 AD. Medium is watercolor on paper, courtesy National Museum, New Delhi. The subject matter of this painting, this is a vertical painting. As you are seeing on the screen, this is a vertical painting of Ragini Pathamsika. It has been drawn from Rag Hansdhvani. In this painting, artist has shown his keen attachment to art, which is found only in the Anwar A. Sunehli, a book of fables book. Out of them, there is Ragini Pathamsika. तो ये एक book of fables है, इसमें से एक रागिनी पटहम्सिका painting यहाँ पे ली गई है। इस पेंटिंग के बारे में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग, इन दिस पेंटिंग अ लेडी इज सिटिंग इन द सेंटर हैविंग अ वीना इन हर हैंड्स। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, इस पेंटिंग में सेंटर में एक लेडी बैठी हुई है और उसके हाथ में वीना पकड़ी हुई है। ऑन हर बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स वन लेडी इज शोन, और उसके दोनों तरफ एक एक लेडी खड़ी है। बोथ आर लिसनिंग टू द वीणा, और वो खड़ी वीणा का आनंद ले रही हैं। राइट बिलो अ लिक्वर पॉट कैन बी सीन, एन एलिफेंट हैविंग हिज ट्रंक अपवर्ड कैन बी सीन ऑन द राइट साइड बिलो ऑन द राइट साइड ऑफ द लेडी। इस पेंटिंग में एक लिक्वर पॉट सेंटर में दिखाई दे रहा है और साथ में एक एलिफेंट जिसकी ट्रंक अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, वो राइट साइड ऑफ द लेडी वहाँ पे दिखाया गया है। द फोरग्राउंड इज पेंटेड इन रेड एंड ऑरेंज कलर्स टू बैलेंस इट। मोर देन हाफ पार्ट ऑफ पेंटिंग इज कवर्ड विद ग्रीन एंड येलो कलर। ऑन द अबव एन अम्ब्रेला इज शोन विद सेम कलर्स। तो यहाँ पे हाफ पार्ट है जो वो ग्रीन और येलो कलर से कवर्ड है पेंटिंग का, और सेम कलर में अम्ब्रेला भी एक दिखाया गया है यहाँ पे। लेडीज आर शोन थिन एंड इन प्रोफाइल एक चशम फेसेस विच इज द पार्ट ऑफ मुगल एंड डेक्कनी आर्ट। लेडीज को एक चश्म में दिखाया गया है, मीन्स उनकी एक आई दिखाई गई है, साइड पोज में दिखाया गया है उनको, जो कि मुगल और डेक्कनी आर्ट का ही एक पार्ट है। इन द बैकग्राउंड ऑरेंजिश रेड एंड येलो कलर टॉम्स आर देयर। इन द सेंटर वन ब्लू कलर टॉम कैन बी सीन ऑन विच सम पर्शियन आर्ट कैन बी सीन। ऊपर जो टॉम्स हैं, थ्री टॉम्स दिख रही हैं, उनमें से सेंटर वाली टॉम्प है जो वो ब्लू कलर में दिखाई गई है, जिस पे पर्शियन आर्ट भी दिखाई गई है। टू डार्क ग्रीन कलर टॉम्स कैन ऑल्सो बी सीन ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द बैकग्राउंड। जो बाकी दो टॉम्स दिखाई गई हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, वो डार्क ग्रीन कलर में दिखाई गई हैं। इन द सेंटर
An umbrella and some green and yellow colored flowers and plants with leaves can be seen. सेंटर में जैसे आप यहाँ पे पेंटिंग में देख रहे हो अम्ब्रेला और सम ग्रीन एंड येलो कलर्ड फ्लावर्स दिखाए गए हैं, साथ में प्लांट्स भी लीव्स के साथ दिखाए गए हैं। द अम्ब्रेला इज हैंग्ड ऑन टू पिलर्स विच आर ऑफ येलो कलर। लेडीज गारमेंट्स आर ट्रांसपेरेंट विच इज ऑल फ्रॉम मुगल आर्ट। लाइन्स आर थिन हार्ड एंड रिदमिक। जो लेडीज गारमेंट्स हैं वहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिखाई गई हैं, जो कि एक मुगल आर्ट का ही एक पार्ट है। लाइंस है जो थिन हैं, हार्ड हैं और रिदमिक हैं, सेम पैटर्न में दिखाई गई हैं। फुल पेंटिंग शोज द राग हंस ध्वनि रागनी पटांसिका। इट इज टू बी अज्यूम्ड दैट दिस पेंटिंग इज सक्सेसर ऑफ मुगल आर्टिस्ट यूसुफ अथिल शाह। तो ये माना जाता है कि ये पेंटिंग मुगल आर्टिस्ट यूसुफ अथिल शाह की बनाई हुई है। तो ये थी इस पेंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।